हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन राय स्मार्ट क्लासेस। आज हम बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी रखेंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास की कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। और इससे पहले कि हमने प्राचीन बिहार के इतिहास पीछे के वीडियो में बनाए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, तो आज हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं बिहार के। तो शुरू करते हैं बिहार का आधुनिक इतिहास क्या है। बिहार बहुत ही उपजाऊ जगह, बहुत ही वैल्यूएबल जगह पर स्थित है, क्योंकि गंगा नदी की प्रवाहित होती है, तो जो बिहार की मिट्टी है बहुत उपजाऊ है। बिहार गंगा नदी द्वारा प्रवाहित विश्व के उपजाऊ क्षेत्रों में से एक में स्थित है। कपास, कपड़ा, सोरा और नील का निर्माण बिहार में प्रसिद्ध है। ऐसे मूल्यवान संसाधनों की उपलब्धता के कारण यूरोपीय लोगों ने प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक भारत के व्यापार मार्गों का भरपूर लाभ उठाया। हमारे बिहार में कपास, कपड़ा, सोरा, नील, इन सबों के चलते जो यूरोपीय कंट्री के लोग बहुत आए यहाँ पे बिजनेस करने। तो सबसे पहले जो बिहार में यूरोपियों का आगमन हुआ, पुर्तगाली लोगों का हुआ। बिहार में आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगाली मुख्यतः कपड़ा, विशेषकर कपास उत्पादक क्षेत्र के लिए मसालों का व्यापार करते थे। पुर्तगालियों ने पुर्तगाली कमांडर पेड्रो तवारेस के माध्यम से सम्राट अकबर से अनुमति प्राप्त करने के बाद 1579 से 1580 में हिगली के क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। जो उस टाइम हुगली अभी बंगाल में है। पुर्तगाली व्यापारियों ने 1599 में बंदेल में एक चर्च का निर्माण किया, जो बंगाल का पहला ईसाई चर्च था, जिसे आज बंदेल चर्च के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली बिहार उस टाइम बंगाल प्रोविंस के अंदर ही आता था, बंगाल के ही एरिया जो था उसमें ही बिहार आया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उनके बाद ब्रिटिश अंग्रेज आए। पुर्तगालियों के बाद बिहार में प्रवेश करने वाले दूसरे यूरोपीय अंग्रेज थे। ब्रिटिश व्यापारियों ने 1620 में पटना के आलमगंज में साल्ट पीटर का कारखाना खोला, जो 1621 में बंद हो गया। ब्रिटिश व्यापारियों ने सबसे पहले पटना आलमगंज में एक साल्ट पीटर का कारखाना खोला, जो 1621 में बंद हो गया। पुनः इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में कारखाने को फिर से पुनर्जीवित किया, जो अब गुलजार बाग में एक गवर्निंग प्रिंटिंग प्रेस में बदल गया। आज के डेट में एक प्रिंटिंग प्रेस वहाँ चलता है। अंग्रेजों के बाद डचों का बिहार में प्रवेश हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में एक कारखाना भी बनाया, जो आज पटना कलेक्ट्रेट का स्थान है। डच लोग अनाज, सोरा और सूती कपड़ों में रुचि रखते थे। इसके बाद डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो डेनमार्क की कंपनी थी। 1774 में पटना के नेपाली कोठी में एक कारखाना बनाया। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज, फिर डच लोग आए, फिर डेनमार्क की कंपनी ने, यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो था व्यवसाय का बहुत अच्छा बिहार में वो था। बक्सर का वो युद्ध हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों का राज्य पूरी तरह से आ गया। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजादुल्ला के नेतृत्व में मुगलों की संयुक्त सेना को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हराया था। शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे, और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, तीनों मिल के अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई जिसको बोलते हैं, 22 अक्टूबर 1764 को शुरू हुई थी। इसमें जो नेतृत्व किए थे अंग्रेजों के हेक्टर मुनरो ने, उनको हराया था
लड़ाई जो खत्म हुई थी 1765 में हुई थी, तो इसके बाद संधि हुई। लड़ाई खत्म होने के बाद इलाहाबाद में दो अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, 12 अगस्त 1765 को मुगलों के साथ और 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब के साथ संधि पर हस्ताक्षर हुए। जो हस्ताक्षर हुए तो जो मुग़ल थे और ये नवाब थे, बहुत सारे उनको नुकसान हुआ, उनका अधिकार ख़त्म हो गया। क्या संधि हुई? अवध के नवाब ने बड़े पैमाने पर भुगतान किया और अपनी कुछ ज़मीनें भी दी अंग्रेज़ों को। मुग़लों और बंगाल के नवाब ने प्रभावी रूप से बंगाल प्रांत पर नियंत्रण खो दिया, जिसमें आज की आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड शामिल थे। कंपनी ने इन प्रांतों में दीवानी अधिकार या कर एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया। अब जो यहाँ शासक थे तो इन लोगों पे अब लगान लगना, उसके अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया। तो एक तरह से कहें कि 1765 से इसको कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं, जहाँ अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया, जिसमें कॉलोनियल का मतलब कि जो हमारे देश है इस पे किसी और देश का शासन चल रहा है, हमारे सोशल इकोनॉमिक सारे पे उनका हस्तक्षेप है, इसको कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। तो लगभग आज़ादी तक में अंग्रेज़ों का शासन रहा, जो बाहर से हम वो अपना चलाते थे, हमारे सब चीज़ में हस्तक्षेप था उनका। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिहार का प्रशासन, जब उन्होंने वो किया तो बिहार का प्रशासन चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिप्टी गवर्नर उप राज्यपाल का पद स्थापित किया। बक्सर के लड़ाई के बाद राजा राम नारायण और सीताब राय महत्वपूर्ण नायब हुए, नायब जिसको उप राज्यपाल कहते थे। पटना की राजस्व परिषद का गठन 1717 में किया गया, जिसे 1781 में बिहार के राजस्व प्रमुख के नाम पद से बदल दिया गया। 1770 में पटना की राजस्व परिषद का गठन हुआ था, जिसको बाद में बिहार के राजस्व प्रमुख के नाम से जाना जाने लगा। भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार, विशेष रूप से पटना ने अपना वैभव पुनः प्राप्त किया और व्यापार और शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बन गया। जो प्राचीन काल में कभी पटना मतलब शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में आ गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में भी जो पटना था काफ़ी गौरव प्राप्त किया और काफ़ी बहुत राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। 1912 में जब तक बिहार और उड़ीसा प्रांतों को अलग अलग प्रांतों में विभाजित नहीं किया गया था, तब तक यह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1912 से पहले तक जो बिहार और उड़ीसा था उसको बंगाल प्रेसिडेंसी, जो बंगाल के अंतर्गत ही ब्रिटिश चलाते थे, 1912 में ये बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। फिर 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। पटना को नए प्रांत की राजधानी बनाया गया और प्रशासनिक केंद्र को समायोजित करने के लिए इसे पश्चिम की ओर विस्तारित किया गया। ब्रिटिश सरकार के अधीन बिहार में कई शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित किए गए, जैसे कि पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसीलिए कहा गया कि जो बिहार पटना का जो पूर्व प्राचीन काल में गौरव था, ब्रिटिश सरकार में फिर से वो गौरव हासिल किया, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कॉलेज और व्यवसायिक क्षेत्र में भी बिहार बहुत आगे हुआ। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन चलाया। बिहार और बंगाल का काल 1717 और 1783 में बिहार और बंगाल में अकाल आया था। जो 1770 का अकाल था उसमें बहुत सारे
उस टाइम अंग्रेज़ सिर्फ अपनी कर वसूली और उसके चलते लापरवाही के चलते बहुत सारे लोग, लगभग एक तिहाई लोग की डेथ हो गई। बहुत बड़ा अकाल था। 1777 के बंगाल अकाल से 30 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे, जो 1769 और 1770 के बीच बंगाल और बिहार में हुआ था। बंगाल में दोहरे शासन काल के दौरान अकाल पड़ा था। उस टाइम मुगल भी थे और अंग्रेज़ भी थे। स्थानीय किसानों और अन्य लोगों के दुखों को पूरी तरह से नज़रदार कर दिया गया, क्योंकि कंपनी केवल अपने लिए आय और मुनाफा बढ़ाने के बारे में चिंतित थी। माना जाता है कि अकाल का प्राथमिक कारण 1768 की शरद ऋतु और 1769 की गर्मियों में फसल की विफलता के साथ साथ चेचक की महामारी थी। 1768 में बहुत ठंड आई थी और वो जो नेक्स्ट ईयर फसल अच्छा नहीं हुआ, साथ के साथ चेचक महामारी आई थी। इसके चलते अकाल माना जाता है कि विकराल रूप लिया था। अनुमान के मुताबिक 7 से 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। खेती की कुल मात्रा का एक तिहाई हिस्सा बर्बाद हो गया था 1770 के जो बिहार बंगाल में अकाल आया था, तो लगभग एक तिहाई हिस्सा बर्बाद हो गया था। लगभग एक तिहाई से एक चौथाई लोगों की, 30 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें लगभग 10 मिलियन लोग की मृत्यु हो गई थी। फिर 1783 में एक बार फिर अकाल पड़ा, तो उस टाइम तत्कालीन गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने अकाल से निपटने के लिए गोलघर के आकार के अन्न भंडार के लिए एक आदेश जारी किया। जो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग्स ने, तो उन्होंने एक जो पटना में गोलघर बनाया, वो अन्न भंडार के लिए ही 1783 में उन्होंने आदेश जारी किया कि अकाल से निपटा जा सके। विशाल अन्न भंडार का निर्माण कैप्टन जॉन गारिस्टन द्वारा 20 जनवरी 1784 को शुरू हुआ और 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ था। जो गोलघर पटना में है वो अन्न भंडार के लिए, जब बाढ़ अकाल पड़ा था उसके लिए आया था। बिहार में जमींदारी प्रथा का अस्थायी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल, उड़ीसा, बनारस के क्षेत्रों और मद्रास के उत्तरी जिलों में की गई थी। ये जो अस्थाई बंदोबस्त था, जॉन शोर ने इसके वास्तुकार के रूप में कार्य किया। जॉन शोर की उपज थी दिमाग की। इस जमींदारी प्रथा ने जमींदारों को भूमि का मालिक घोषित कर दिया। जमींदारी प्रथा में क्या हुआ कि जो जमींदार थे वो भूमि के मालिक हो गए। जमींदार एकत्रित राजस्व का 1/11 हिस्सा अपने पास और 10/11 हिस्सा अंग्रेज के लिए, मतलब कि जो राजस्व जमींदार एकत्रित करते थे उसका 1/11 हिस्सा जमींदार के लिए होता था और 10/11 हिस्सा अंग्रेज के लिए होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। जमींदार लगान तय करने और किराएदारों का शोषण करने के लिए स्वतंत्र थे उस टाइम। इससे क्या हुआ कि किराएदारों को में व्यापक असंतोष फैला, उल्टा सीधा लगान किराया तय करने लगे। तो जमींदारों के प्रति किराएदारों में बढ़ते असंतोष के कारण किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित करने के लिए 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम पेश किया गया था। अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह और बिहार का क्या भूमिका रही, तो बिहार विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर में, जो अब झारखंड में है, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय में शुरू हुआ। बिहार में भी 12 जून 1857 को देवघर में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय पर शुरू हुआ। सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट और लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, जो दो ब्रिटिश अधिकारी थे, इस विद्रोह में भाग लिए थे, लेकिन मैकडोनल्ड ने विद्रोह को कुचल दिया था। जो 12 जून 1857 को हुआ था इसको
मैकडोनल्ड जो थे वो विद्रोह को दबा दिए थे। फिर हुआ पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई को पटना में विद्रोह शुरू किया गया, जिसमें ब्रिटिश अफीम व्यापारी डॉक्टर लायल की हत्या कर दी गई थी। जो सबसे प्रसिद्ध विद्रोह हुआ, जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने सक्रिय रूप से 4,000 सैनिकों के एक समूह की कमान संभाली और कई लड़ाइयाँ जीती। 1 जुलाई 1857 को उन्होंने सफलतापूर्वक आरा पर अधिकार कर लिया। बाद में उन्होंने और नाना साहब ने आजमगढ़ में ब्रिटिश सेना को भी हराया था। तो जो बाबू कुंवर सिंह जी थे उस टाइम 80 साल के थे। उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई, तो फिर उनके ब्रदर थे उन्होंने लेकिन चलाए। 25 जुलाई 1857 को दानापुर कैंट विद्रोह ने बिहार में एक सामान्य विद्रोह की शुरुआत का संकेत दिया, लेकिन दरभंगा डुमरांव हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में जनशक्ति और धन से अंग्रेजों की मदद की। दानापुर कैंट विद्रोह 25 जुलाई 1857 को हुआ था, तो उसमें जो उस टाइम दरभंगा डुमरांव हटवा के महाराज लोग थे और जो बड़े बड़े जमींदार थे अंग्रेज़ों के साथ, उनको धन बल से मदद किए जिससे कि विद्रोह दब गया। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के भी बहुत अच्छा योगदान है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार राज्य का भी उतना ही योगदान रहा है। राज्य ने स्वामी सहजानंद सरस्वती, शहीद वैकुंठ शुक्ल, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा, मौलाना मजहरुल हक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण भद्रयाजी, पंडित यमुना कारजी, डॉक्टर मकफूर अहमद आजाजी जैसे प्रसिद्ध नेता दिए हैं। उपेंद्र नारायण झा, जिन्हें आज़ाद के नाम से भी जाना जाता था, और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों सक्रिय बिहारी क्रांतिकारी थे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बिहार के बहुत सारे लोग सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। बिहार और स्वतंत्रता आंदोलन, जो आंदोलन और विद्रोह हुए उसके साथ बिहार का, बिहार ब्रिटिश विरोधी मुक्ति संग्राम के विद्रोहों और आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल राज्यों में से एक था। सबसे पहले बहावी आंदोलन हुआ था, जिसको सऊदी अरब के अब्दुल बहाब और दिल्ली के शाह वलीउल्लाह के आंदोलन के नेताओं के रूप में कार्य किया। 1828 से 1868 तक हाजी शरतुल्ला के निर्देशन में पटना ने इसके प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य किया। वहाबी आंदोलन ने पंजाब में सिखों और पूरे भारत में अंग्रेजों को उखाड़ फेंककर उपमहाद्वीप के मुस्लिम शासकों के पूर्व गौरव को बहाल करने की मांग की। जो वहाबी आंदोलन हुआ था उसमें पूरे भारत में फिर से मुस्लिम शासकों की जो पहले गौरव थे उसको बहाल करने की मांग रखी थी। फिर आदिवासी आंदोलन हुए, ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े में थे। आदिवासियों का मेन विद्रोह का कारण जो था ब्रिटिश भूमि कब्जा, उनकी राजस्व पैदा करने वाली नीतियां और वन अधिकारों के उल्लंघन थे, क्योंकि वे बहुत हिंसा का संगठित और स्थानीयकृत थे जो आदिवासी थे। जब ये सब होता था, जिसे हो और मुंडा का विद्रोह हुआ, यह विद्रोह 1820 के दशक में छोटा नागपुर क्षेत्र में राजा परहत के अधीन आयोजित किया गया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में बुद्धू भगत ने किया था। भूमिज विद्रोह 1832 में गंगा नारायण द्वारा सिंहभूम और वीरभूम के क्षेत्रों में विद्रोह का आयोजन किया गया था। संथाल विद्रोह का आयोजन 1855 में राजमहल पहाड़ियों के सिंधु और कान्हा ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने संथाल परगना की स्थापना की। 1866 में कान्हू की गिरफ्तारी हुई थी।
मुंडा बिरसा। इसका नेतृत्व 1899 में छोटनागपुर के मुंडा ने किया था। 1865 के वन विनियमन अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को किसी भी वन पथ को सरकारी वन के रूप में नामित करने और इसके लिए नियम स्थापित करने का अधिकार दिया था। इसके विरोध में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कृषि और राजनीतिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन चला, जो 3 मार्च 1900 को बिरसा को बंदी बनाया गया था। ताना भगत विद्रोह। यह विद्रोह 1914 में छोटा नागपुर में जतरा भगत के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। यह ज़्यादातर हिंदू रीति रिवाजों पर केंद्रित एक धार्मिक आंदोलन था। इस तरह से बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हुए, जिसमें अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। क्रांतिकारी गतिविधियाँ। 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। कुसुम कुमारी देवी और गौरी दास बिहार के दो महिला क्रांतिकारी थी। चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल और रामलाल शाह ने महात्मा गांधी को तीनकठिया प्रणाली पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके तहत किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। जो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो 1917 में हुई थी, इसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रूज, एचएस पोलक, राजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, शंभु शरण और धरणीधर प्रसाद सभी गांधी के सत्याग्रह में शामिल हुए। इस चंपारण सत्याग्रह में आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को अत्याचारों की जांच करने के लिए चंपारण समिति की स्थापना करने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी जी ने समिति में काम किया और अधिकारियों को तीनकठिया प्रणाली के तहत किए गए अत्याचारों के बारे में आश्वस्त किया। तीनकठिया प्रणाली को खत्म करने और किसानों को 25% मुआवजा देने की आवश्यकता बताई। तो ये था चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी जी जो पहला सत्याग्रह था और इसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद स्वराजवादी आंदोलन हुआ। दिसंबर 1922 में गया में चित्रंजन दास की अध्यक्षता में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में दो वैचारिक समूहों में विभाजित हो गए। एक समूह परिषद में का समर्थन करता था और दूसरा गांधी जी के नीति को समर्थन करता था। एक समूह ने विधान परिषद की शुरुआत का समर्थन किया, जबकि दूसरे ने इसका विरोध किया और गांधी की नीति का समर्थन किया। विधान परिषद में प्रवेश का विरोध वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी एंड एमएम अंसारी ने किया था, जबकि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान विधान परिषद में प्रवेश के समर्थक थे। स्वराज दल का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास ने किया था। प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे, जबकि प्रथम सचिव अब्दुल बारी थे। बिहार में श्री कृष्ण ने स्वराज दल की एक शाखा की स्थापना की। इसी तरह बहिष्कार आंदोलन जब हुआ, तो ये बहिष्कार आंदोलन ये घरेलू वस्तुओं के समर्थन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान था। बिहार में कांग्रेस कमेटी ने जादुई लालटेन का उपयोग करके गांवों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर खादी को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया, जिससे कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग न किया जाए। बहिष्कार आंदोलन जो भारत में चला, तो बिहार में भी जादुई लालटेन का उपयोग करके कांग्रेस कमेटी ने
गांव गांव में घूम के खादी को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाया। साइमन कमीशन, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। 12 दिसंबर 1928 को आयोग पटना पहुंचा, जहां साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट आंदोलन पूर्ण स्वराज। बिहार कांग्रेस कार्य समिति ने 20 जनवरी 1930 को झंडा फहराकर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने के कांग्रेस के विचार का समर्थन किया, जो पूर्ण स्वराज की मांग थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह का आयोजन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था, जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 को आरंभ तिथि के रूप में चुना था। सत्याग्रह की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 के बीच बिहार की यात्रा की। चंपारण और सारण जिलों से शुरू होकर यह आंदोलन फिर पटना, बेतिया, हाजीपुर और दरभंगा तक फैल गया। पटना में एक स्वदेशी समिति की स्थापना की गई। समाज के कई वर्गों की महिलाओं ने आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया। खादी के उपयोग पर जोर देने के अलावा आंदोलन ने शराब की खपत की कड़ी निंदा की और चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया। आंदोलन के प्रसिद्ध नेताओं में सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम और सर अली इमाम शामिल थे। इसी समय बिहपुर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। जिन प्रमुख क्षेत्रों में यह आंदोलन विकसित हुआ उनमें चंपारण, भोजपुर, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर शामिल थे। इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अन्य आंदोलन नेताओं में चंद्रावती देवी और राम सुंदर सिंह शामिल थे। इस तरह सबने आंदोलन की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राय बहादुर द्वारकानाथ ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। आंदोलन के निर्मम दमन के लिए गोरखा पुलिस को तैनात किया गया था। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए गोरखा पुलिस को तैनात की गई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र और गंगा शरण सिन्हा ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। जयप्रकाश नारायण ने 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सम्मेलन बुलाया और तभी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण को महासचिव नियुक्त किया था। किसान सभा और बिहार। किसान सभा, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण ने 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जमींदारों द्वारा कब्जे के अधिकारों के शोषण के खिलाफ किसानों की शिकायतों को संगठित करने के लिए 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। जमींदारों ने किसानों को दमन करने के लिए संयुक्त राजनीतिक दल की स्थापना की। इसके वजह जमींदार ने भी संयुक्त राजनीतिक दल बनाए। 1933 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। एनजी रंगा को सचिव नियुक्त किया गया और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। हिंदी साप्ताहिक हुंकार की स्थापना 1940 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के शिष्यों पंडित यमुना कारजी और राहुल साकृत्यान ने की थी और यह जल्द ही बिहार में किसान और कृषि आंदोलन की आवाज़ बन गई। जो हिंदी साप्ताहिक हुंकार जो 1940 में सहजानंद सरस्वती के शिष्य जो थे उन्होंने किया था, इसके थ्रू किसान और कृषि आंदोलन की आवाज़ छपने लगी
आवाज बन गई। बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल, जो पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल, भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसने संवैधानिक उपचार, राज्य में प्रांतीय स्वायत्ता और केंद्र में दोहरे प्रशासन की शुरुआत की, ने बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए। उदाहरण के लिए 152 चुनाव क्षेत्र में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस 107 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उन्होंने 98 विजयी रहा। विधान परिषद में कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत होने के बावजूद श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, उस टाइम मात्र उम्मीदवार विजयी हुए थे। इसलिए स्वतंत्र उम्मीदवारों के नेता मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई और उन्हें अल्पमत सरकार का बिहार का पहला प्रधानमंत्री बनाया। तीन महीने बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का गठन किया। श्री राम दयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी ने क्रमशः विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नवनिर्वाचित मंत्री ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, काश्तकारी बंदोबस्त मुद्दों को हल करना और हरिजनों की स्थिति में सुधार करना जैसे महान कार्य किए। अंग्रेजों द्वारा यह घोषणा करने के बाद कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेगा, श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध जब छिड़ा तो उन्होंने कहा भारत भी हिस्सा लगा, तो इसी के चलते कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस भी इसके विरोध में कि भाग लेगा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जिसे पूरे भारत से समर्थन मिला। आंदोलन की कार्ययोजना का मसौदा 31 जुलाई 1942 को बिहार कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार किया गया था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। हर जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया लेकिन आंदोलन को नियंत्रित करने और आंदोलन को खत्म करने के लिए अंग्रेज आ गए। जिला मजिस्ट्रेट WUC आर्चर ने विभिन्न स्थानों पर शूटिंग के आदेश जारी किए। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार, तो कह सकते हैं कि आधुनिक काल में भी बिहार जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और आधुनिक काल में बिहार राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से फिर से अपने पुरानी जो प्राचीन काल में थी गौरव प्राप्त किया। तो इस तरह आज बिहार के आधुनिक इतिहास जो है जिसकी जानकारी हम दे रहे थे समाप्त होती है और हमने आज बिहार के सारी जानकारी प्राचीन काल से लेके और आधुनिक काल और अभी तक की जानकारी हमने पीछे के वीडियो में दिए हुए हैं, आप वहाँ से पूरी बिहार की सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं जो कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें बहुत उपयोगी होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, इसको जितना रिवीजन करेंगे और अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठता जाएगा तो अब नेक्स्ट में दूसरे स्टेट के बारे में जानेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।